हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, इस टाइम चल रहा है अमेज़न का ग्रेट इंडियन सेल और सब लोग कुछ ना कुछ ले रहे हैं। मुझे चाहिए था कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस, पर मैं घर में कोई भारी अलमारी या फर्नीचर नहीं लाना चाहती थी, इसलिए मैंने ली है ये नील कमल का जेस्टर 24 ड्रॉयर सेट। इसका प्रीमियम लुक मेरे बेडरूम से मैच भी होता है और इसमें ढेर सारा स्पेस के साथ लॉक और व्हील्स भी है, तो ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आज मैं दिखाने वाली हूँ इसकी पूरी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस और उसके साथ देने वाली हूँ इसकी रिव्यू और दिखाऊंगी इसको आप किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स द बेस्ट प्रोडक्ट रिव्यू चैनल। ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, ये करीब 2000 से 2400 के प्राइस में तीनों अलग अलग कलर्स में मिलते हैं। सेल में मुझे ये थोड़ा डिस्काउंट में मिला है। मैंने 4 ड्रॉयर का सेट, आप 3 या जैसे आपका पसंद उस तरह का भी ले सकते हैं। मेरी बेडरूम की डिकोर पिंक कलर्स में है तो मैंने पिंक ली है। आप ब्लू और ग्रीन भी ले सकते हैं। कलर्स पेस्टल शेड्स में है तो काफी सोबर और प्रीमियम लुक देता है। ये नील कमल ब्रांड के तरफ से है और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, नील कमल इंडिया में प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के एक भरोसेमंद नाम है। मैं बचपन से इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करती आ रही हूँ। आपके घर में भी नील कमल के प्रोडक्ट्स यूज़ होते होंगे। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये मजबूत अमेज़न पैकिंग में आया था। इसके अंदर इसके पार्ट्स थे जो DIY है, मतलब खुद असेंबल करना पड़ता है। वैसे असेंबली का प्रोसेस काफ़ी आसान है। इसके साथ इंस्ट्रक्शंस भी आते हैं इसको असेंबल करने के लिए। आप इन इंस्ट्रक्शंस का यूज़ कर सकते हैं या फिर मेरी वीडियो पूरी देख लें तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि 10 मिनट में इसको असेंबल करके रेडी टू यूज़ कैसे बनाया जाता है। ड्रॉयर्स के अलावा आपको मिलता है इसके अंदर 8 सेपरेटर्स, 16 पिलर्स, 4 व्हील्स और एक टेबल टॉप। ड्रॉयर्स में लॉक लगे हुए हैं ऑलरेडी। हमने सारे पार्ट्स को निकाल के उनको पोंछ के अलग अलग कर ली है। अब चले इसकी असेंबली शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके 2 सेपरेटर्स को जोड़ के एक फ्रेम बनाना पड़ेगा। इनको ऐसे एक दूसरे के ऑपोजिट फेस टू फेस रखना है और इसके जोड़ को प्रेस करना है, करके इसे जोड़ना है। ये हमने प्रेस करके जोड़ दी। सारे पार्ट्स सेम है और हर ड्रॉयर का फ्रेम ऐसे ही बनाना है। पहले वाला सेपरेटर फ्रेम बेस होगा और इसके नीचे आपको ये व्हील्स लगाना पड़ेगा। इसके 4 कॉर्नर्स में व्हील्स को प्रेस करके जोड़ना है इस तरह से। इसकी असेंबली का प्रोसेस बिल्कुल बच्चों के ब्लॉक्स या लोगों की तरह है। कोई स्क्रू, नट या बोल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चे भी 10 मिनट में ये कर सकते हैं। ये व्हील्स लगने के बाद इसको सीधा कर देना है और एक सेट पिलर्स का इंस्टॉल करना है। पिलर्स का दोनों साइड में जोड़ है। ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको फ्रेम पे लगाना है कॉर्नर के स्लॉट में और प्रेस करना है, ये जुड़ जाएगा। जब 4 साइड्स में ये पिलर्स लग जाएगा तो 2 और सेपरेटर से फ्रेम बना के उसको ऊपर इंस्टॉल करना है। ऊपर भी पिलर्स के जोड़ है और सेपरेटर के नीचे के साइड में उनके लिए स्लॉट है। अब देखें, एक बार पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इस ड्रॉयर सेट का एक फ्लोर कंप्लीट हो चुका है। अब सेम प्रोसेस फिर रिपीट करना है। फिर से हम 4 पिलर्स इंस्टॉल करेंगे। ये आधा फिनिश हुआ सेकेंड फ्लोर। अब देखे, हमने एक और सेपरेटर लगा दिया है। अब सेकेंड ड्रॉयर के लिए भी जगह बन गई है। अब तीसरा पिलर का सेट भी लगा दी है, उसके ऊपर फ्रेम लगाना है। लग गया फ्रेम। ये धीरे धीरे अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट की तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये प्रोडक्ट सिर्फ काम का नहीं है, इसको इंस्टॉल करने में भी मजा आता है। नेक्स्ट हम लास्ट सेट ऑफ पिलर्स लगाएंगे और फाइनली ऊपर इसका टेबल टॉप लगाएंगे।
अब इसका फ्रेम बनके तैयार है। असेंबली का लास्ट हिस्सा बाकी है, जो है इसके ड्रॉयर्स लगाना। हम नीचे से शुरू करेंगे, इसका एक ड्रॉयर लगा देते हैं। ये लग गया पहला ड्रॉयर। अब सेकेंड ड्रॉयर की बारी। ये लग गया दूसरा ड्रॉयर। अब तीसरी ड्रॉयर की बारी। तीसरा भी लग चुका है, अब हमारी फाइनल ड्रॉयर लगा लेते हैं। अब ये कंप्लीट एंड फाइनली रेडी टू यूज है। इसकी क्वालिटी की बात करो तो इसकी प्लास्टिक बहुत अच्छी क्वालिटी की है और मजबूत है। इसके डायमेंशंस आप लोगों को दिखाने के लिए ये मैंने मेजरिंग टेप लगाया हुआ है। व्हील्स फिट करने के बाद जमीन से इसकी ऊंचाई करीब 32 इंच की है। इसकी विड्थ लेफ्ट टू राइट है 13.5 इंच। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आगे से पीछे की तरफ करीब 16.5 इंच का इसकी टेबल टॉप है। ड्रॉयर के अंदर का डेप्थ देखे तो 6.5 इंच है। ड्रॉयर के अंदर की जो स्पेस है, जिसका यूज आपको सामान रखने के लिए करना है, उसकी डायमेंशंस है 6.5 इंच डेप्थ, 12.5 इंच विथ और 15.5 इंच लेंथ। मतलब ड्रॉयर्स की लंबाई 15.5 इंच, चौड़ाई 12.5 इंच और डेप्थ आपको मिलने वाला है 6.5 इंच की। अब इस ड्रॉयर्स के प्रोस के बात करते हैं। इसके अच्छे फीचर्स में सबसे पहला आता है कि ये इजी टू क्लीन है। गीले कपड़े से पोंछ के ही आप इसको साफ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गंदा हो तो सोप वाटर या किसी क्लीनर से पोंछ ले, बिल्कुल चमक जाएगा, नया जैसा हो जाएगा। ये पोर्टेबल है, कहीं भी लेके जा सकते हैं। व्हील्स काफ़ी स्मूथ है, लॉक कर सकते हैं, बच्चे आसानी से खोल नहीं सकेंगे। वैसे लॉक्स इतना स्मूथ नहीं है, शायद होना भी नहीं चाहिए। लॉक होता है पर चाबी नहीं लगती, बस कीड़े मकोड़े और छोटे बच्चों से बचाव हो जाती है। इसको आप अनइंस्टॉल करके पैक करके किसी और लोकेशन पे ले जा सकते हैं। घर बदलते वक्त ये फीचर काम आएगा, इसलिए ये रेंटेड हाउस या फिर हॉस्टल के लिए सही है। और ये नो मेंटेनेंस है, इसमें कभी गीमक नहीं लगेगा। वैसे ये वुड या स्टील फर्नीचर जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके यूज़ की बात करें तो ये मल्टी यूज़ है। आप इसका यूज़ एक या एक से ज़्यादा तरह की चीज़ें रखने में कर सकते हैं। ड्रॉयर्स की वजह से चीज़ें सेपरेट और ऑर्गेनाइज रहते हैं, मिक्स नहीं हो जाते। ये आपके किचन या पेंट्री के लिए एसेंशियल फर्नीचर बन सकता है। इसमें आप बहुत सारे फूड पैकेट्स जैसे नूडल्स, स्पाइसेस वगैरह आसानी से स्टोर कर सकते हैं। 6 इंच तक की हाइट का डब्बे भी इसमें आसानी से आ जाता है। इसके अलावा इसको आप स्टेशनरी या बुक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हार्ड कवर बुक्स बहुत सारे इसमें एक साथ रखे तो भारी हो जाएगा, पर मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और एकेडमिक बुक्स, कॉपीज़ वगैरह काफ़ी क्वान्टिटी में इसमें फिट हो जाता है। कपड़ों की बात करें तो 7 से 8 ड्रेसेस आराम से इन ड्रॉयर्स में आ जाता है।
हॉस्टल वाले इसमें एक साथ बहुत कुछ रख सकते हैं। इसके टॉप में बड़ा अच्छा सा सेपरेटर वाला टेबल टॉप दे दिया गया है, उसमें आप चीज़ों को रख सकते हैं और इसको एज बेड साइड टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास बेड साइड टेबल्स नहीं है तो आप ऐसे दो ड्रॉयर्स लेके अपने बेड के दोनों साइड्स पे फिट करके बेड साइड टेबल का काम चला सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ यूटिलिटी वाइज नहीं, ये ड्रॉयर्स लुक वाइज भी काफ़ी सोबर है, लाइट पेस्टल कलर्स में और अच्छी पॉलिश लुक और डिज़ाइन में काफ़ी एस्थेटिक सा लुक देता है। पिंक, लाइट ब्लू और लाइट ग्रीन के अलावा ये मॉव और लाइट ऑरेंज फ्रेम्स में ट्रांसपेरेंट ड्रॉयर्स के साथ भी अवेलेबल है। अगर आपको ये ड्रॉयर्स लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उससे इसको खरीद सकते हैं या फिर इसकी लेटेस्ट प्राइस या फीचर्स चेक कर सकते हैं। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आप देख रहे थे व्हाट्स द बेस्ट प्रोडक्ट रिव्यू चैनल। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जेन्युइन प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं, ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट हमेशा।